कहा कि अवैध खनन है और ज़बरदस्ती हमारा भाई मशीन चला रहा था, उसकी मोबाइल भी लोग छीन लिए और हमारी मशीन को थाने में लेकर चले गए। ये बताइए चाचा जी कि आपकी जो मशीन है वो किस्त पे है कि पूरा पेमेंट कर दिया? नहीं, हमारी मशीन किस्त पर है सर, हम गरीब आदमी कहाँ से कैश, हमारे पास पैसा तो इतना है नहीं। तो जितना दिन थाने में रहेगी उतने दिन चाचा जी आपका? शेष कुमार यादव, ये जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये मिट्टी खोदी गई है और जहाँ की जेसीबी को जब्त किया गया है, ये जमीन आपकी है? हमारी है साहब। आपकी मर्जी से यहाँ खुदाई हो रही थी? नहीं साहब, हमारी मर्जी से खुदाई हो रही है, मैंने खुदवा नहीं सकता हूँ इसको, कहने का मतलब खाल करने के लिए खुदवा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे ये मिट्टी ऊंची है इसलिए ऊंची आप खुदवाई कर रहे हैं? ऊंची है। क्यों, ये तो ये खेती की जमीन है, आप यहाँ पे खेती बाड़ी होती है तो आप खुदाई क्यों करा रहे हैं? खाल करने के लिए पानी रुकता नहीं इसके अंदर, फसल बराबर होता नहीं। तो ये जो मिट्टी निकल के जा रही है वो मिट्टी कहाँ जा रही है? ये पुल पे जा रही है साहब। आपने पुल में क्यों दे दिया मिट्टी? तो क्या करें साहब, हमको हमारी जरूरत नहीं है, हमारे पास है नहीं पैसा कौड़ी, तो मैंने किधर भी दे दिया, अपना तो काम हो जाएगा, कम से कम जमीन तो बराबर हो जाएगी हमारी। जमीन बराबर हो जाएगी? हाँ। तो जो जेसीबी मालिक हैं उन्होंने आपको कन्विंस किया था या आपने जेसीबी मालिक से बात किया था कि भैया मिट्टी आपको चाहिए तो आप यहीं से ले लो? नहीं नहीं, मैंने बोला था उसको मिट्टी हमारी उठा लो भाई। आपने बोला? हाँ मैं बोला। कितने फुट की खुदाई हुई है? 2 फुट के अंदर अंदर। 2 फुट के अंदर हुई है। धन्यवाद। पुल के बारे में बात हो रही थी, सीरिया का पुल, ये वही सीरिया का पुल है। आप देख सकते हैं सेतु निगम ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है, पर आप ही बताइए, शायद गाड़ियां फ्लाइट से उड़ के आएंगी तब सेतु को क्रॉस करेंगी, क्योंकि यहां पहुंच मार्ग बन नहीं पाया है। और आलम यह है कि ये जो बगल की ब्रिज है ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और अभी तक यहाँ पे किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे किसी तरीके से किसानों को बात करके, उनसे मना के, उनको किसी तरीके से काम को शुरुआत कराया सेतु निगम के अधिकारियों ने, तो जेसीबी को जब्त कर लिया गया। अब मैं यहाँ पे सवाल ये पूछना चाहता हूँ जौनपुर ज़िले के जिला अधिकारी से कि अगर एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ये बताते हैं कि निजी जमीन में 1-2 फुट खुदाई करना कृषि कार्य हेतु अवैध नहीं है, तो किस गुनाह से गरीब व्यक्ति के जेसीबी को जब्त कर लिया गया, वो जेसीबी जो कि किस्तों पे लिया गया है और अगर प्रतिदिन नहीं चलेगी तो किस्त भरने का भी पैसा नहीं इकट्ठा हो पाएगा, ऐसे में किस गुनाह की सज़ा उसे दी जा रही है? क्या इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है? क्या इसमें जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक्शन लेंगे? क्या मणियाहूं की उपजिलाधिकारी अर्चना ओझा जी इस मामले को संज्ञान में लेंगी और उचित कार्रवाई करते हुए सही कार्य करेंगी ताकि गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिल पाए? उसके ऊपर अवैध खनन जैसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सवाल ये उठता है, जिसका खेत है वो कहता है मेरी मर्जी से खुदाई हुई है, जिस गांव है उस गांव के प्रधान कहते हैं कि 2 फुट तक खुदाई कोई अवैध खुदाई नहीं है, तो ऐसे में किसको इतनी तकलीफ हो रही है जो उस व्यक्ति को साजिशन फंसाने का कार्य कर रहा है? आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे राजबहादुर पटेल जी दिखा रहे हैं कि 2 बित्ते जमीन की खुदाई हुई है जेसीबी से, और अभी आपने वीडियो में देखा किसान ने बताया कि उन्होंने खुद निवेदन किया था क्योंकि ये जमीन पे पानी नहीं रुकता था। आप देख सकते हैं 2 बित्ते जमीन पूरा समतल तरीके से खुदाई हुई है और समतल करने के उद्देश्य से खुदाई हुई है। अब मिट्टी जो निकल के आ रही है वो सामने जो ब्रिज आपको दिख रहा है उस ब्रिज के पहुंच मार्ग निर्माण के लिए वो मिट्टी वहां पहुंचाई जा रही है। अब बात करेंगे उस जेसीबी के मालिक से जिनके ऊपर कथित तौर पे अवैध खनन का मुकदमा लगाया गया है, उनकी जेसीबी को जब्त कर लिया गया। आइए बात करते हैं जेसीबी मालिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबहादुर पटेल, पुत्र स्वर्गीय श्री पन्नालाल पटेल। आप हाथ से दिखा रहे थे, हाँ, ये आपकी जेसीबी के द्वारा खुदाई हुई है? हाँ, हमारी जेसीबी से ये खुदाई हुई है। तो ये तो जमीन किसी और की है, आप यहाँ पे खुदाई क्यों कर रहे थे? जो जमीन के मालिक है, मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जमीन हमारा थोड़ा खाला कर दो तो इसमें पानी रुकेगा, इसलिए आप यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ खुदाई की है। तो अभी आपकी जेसीबी कहाँ है, खुदाई क्यों नहीं? जेसीबी हमारी अवैध खनन में पुलिस वाले खींच कर थाने में लेके चले गए। तो ये जो आप यहाँ खुदाई कर रहे थे वो मिट्टी कहाँ जा रही थी? ये मिट्टी सेतु निगम सीरिया पुल पर जा रही थी। इस पुल को पास किसने कराया था? इस पुल को
पास कराया होगा, प्रशासन ने ही पास कराया होगा। प्रशासन ने पास कराया था, सरकारी कार्य है तो प्रशासन ही पास कराया होगा। और सरकारी कार्य में आपकी जो यहाँ पे जेसीबी लगी थी उसे जब्त कर लिया गया? हाँ, उसे जब्त कर लिया। क्या कहा गया आपको? हमको कहा गया कि अवैध खनन आप कर रहे हो, और इसलिए हमको 2-3 बार चेताया गया कि यहाँ मत खनो, तो मैं रुक गया, लेकिन वो जबरदस्ती हमारी मशीन को थाने में खींच ले गए। जब आपको यहाँ चेताने आते थे तो क्या कहते थे? चेताने आते थे तो यही बात बोलते थे कि तुम खुदाई कर रहे हो, हम लोगों से समझते बूझते नहीं। कौन ये कह रहा था कि आपसे समझते बूझते नहीं? जो यहाँ के पुलिस वाले कांस्टेबल लोग आते हैं, सिपाही लोग। नाम क्या है उनका? नाम तो राजकुमार यादव, हेड कांस्टेबल हरिमोहन, कांस्टेबल हरिकेश भास्कर। इन लोगों ने आपसे कहा कि ये अवैध खनन है? हाँ, इन लोगों ने ये कहा कि अवैध खनन है और ज़बरदस्ती हमारा भाई मशीन चला रहा था, उसकी मोबाइल भी लोग छीन लिए और हमारी मशीन को थाने में लेकर चले गए। ये बताइए चाचा जी कि आपकी जो मशीन है वो किस्त पे है कि पूरा पेमेंट कर दिया? नहीं, हमारी मशीन किस्त पर है सर, हम गरीब आदमी कहाँ से कैश, हमारे पास पैसा तो इतना है नहीं। तो जितना दिन थाने में रहेगी उतने दिन का किस्त कहाँ से आएगा? अब कहाँ से आएगा ये प्रशासन वाले जाने, मैं गरीब आदमी उनसे टकरा भी तो नहीं सकता। तो ऐसे में माय चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी जौनपुर से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहूँगा कि हम अगर अवैध हैं तो फिर हमारी जमीन के मशीन के साथ साथ हमें भी बंद कर दें, लेकिन अगर वैध है तो फिर उस पर न्याय करें। धन्यवाद। ये बताइए कि इस मामले में आपने मणियाहों के कोतवाल से बात किया? हाँ, मैं मणियाहों कोतवाली में गया सर, कोतवाल महोदय बैठे थे, तो यहाँ के विधायक डॉक्टर आर के पटेल के भाई हरिकेश पटेल, उन्होंने हमसे फ़ोन किया और बोला कि किसी दरोगा या कोतवाल से हमसे बात करा दो। तो मैं अपनी मोबाइल से कोतवाल महोदय के पास गया और बोला कि सर विधायक के भाई आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मोबाइल से हरिकेश भाई साहब से बात किया, बात करने के बाद मोबाइल जब रखे तो बोले कि तुम बहुत फ़ोन लगवाते हो इधर उधर, और जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं, और तुमको मैं ढाहा दूंगा। इन ऐसे शब्दों से कोतवाल महोदय ने हमको कहा। मैं गरीब आदमी डर गया कि और क्या इनसे बात करूं, इसके विषय में मैं कुछ तो नहीं बोल सका। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद सरोज। ये बताइए ये कौन सा ग्राम पंचायत है? ये सरौना में पूरा उत्तम है, राजस्व गांव पूरा उत्तम। आप यहाँ के प्रधान? प्रधानपति हैं हम। प्रधानपति हैं। ये बताइए जो जमीन है ये जमीन किसकी है? इशेश कुमार यादव की है। उनकी जमीन? हाँ, उनकी खुद की जमीन है। यहाँ पे जो खुदाई हुई है लगभग 2 फुट के आसपास, क्या ये अवैध खनन है? नहीं नहीं, इनका इनकी खुद की जमीन है। खुद की जमीन है और खेती के पर्पज से यहाँ पे? हाँ, थोड़ा इसमें पैदावार कम होती थी, खुदवा देते तो इनका पैदावार बढ़िया था, पानी भी लगता। तो प्रशासन ने तो अवैध खनन का चार्ज लगा के यहाँ की जेसीबी को जब्त कर लिया है? नहीं भाई, इनका खुद का जमीन है, खुद का चक है। खुद के चक को खुद की मर्जी से खुदवा? हाँ हाँ, ये अपने मर्जी से खुदवा रहे हैं भाई। पैदावार कम है, थोड़ा गहीर हो जाएगा, पानी लगेगा, पैदावार बढ़ेगी जी, तो अच्छा तो है। धन्यवाद।